हमारे साथ आखिर चर्चा में हीरानगर थाना प्रभारी सतीश पटेल सर, जिनकी कार्यप्रणाली को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तो सराहा ही, साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उनकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है। आइए उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि लगा सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि जब शिकायतकर्ता थाने पर आए तो उससे वरिष्ठ अधिकारियों को किस तरह का व्यवहार है वो महत्वपूर्ण होता है, जिसको परिभाषित किया है हीरानगर थाना प्रभारी सर ने। आइए उनसे ही जानते हैं किस तरह की यहाँ पर शिकायतें आती हैं और किस तरह का उनको निवारण करते हैं। सर, सर्वप्रथम तो आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर सर, किसी अधिकारी के लिए गृह मंत्री तक एक प्रोत्साहन करना एक बहुत बड़ी बात होती है सर, इसको किस तरह देखते हैं आप सर? ये सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्री जी को का आभार मानूंगा कि उन्होंने जो मुझे बधाई दी पर्सनली फ़ोन पर, और उसके बाद एक सार्वजनिक स्तर पर उस बात को बताया और मुझे धन्यवाद दिया और शाबाशी दी। ये मैं इसको बहुत ज़्यादा इसको लेके उत्साहित हूँ और प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। साथ ही ये एक पूरे मध्य प्रदेश पुलिस को उन्होंने एक का उत्साह बढ़ाया, पूरे मध्य प्रदेश पुलिस का उत्साह बढ़ाया है और पूरे मध्य प्रदेश पुलिस इस चीज़ को लेके मेरे ख्याल में उत्साहित है। इस चीज़ सभी लोग इस बात को लेके उत्साहित हैं, तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी भी महसूस करता हूँ और बहुत खुश हूँ। और इसका मैं श्रेय देना चाहूँगा, सबसे पहले उस श्रेय के पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर लोकेन जी का, जो कई बार पुलिस की अच्छाइयाँ होती है वो देखता भी है व्यक्ति, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को बोलता है, लेकिन उन्होंने जाके इस बारे में गृह मंत्री जी तक ये बात पहुँची और गृह मंत्री जी की महानता है कि उन्होंने इस बात को मुझे और पूरे पुलिस फोर्स को इस बारे में संदेश दिया, शाबाशी दी। और इस बात का श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक महोदय विवेक जौहरी सर को, इंदौर पुलिस कमिश्नर श्री हरि नारायण चारी मिश्रा सर को, एडिशनल पुलिस कमिश्नर हमारे मनीष कपूरिया सर को, सभी लोग और हमारे जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं मध्य प्रदेश पुलिस के, सभी अधिकारी हमें लगातार जनता से अच्छा व्यवहार करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए लगातार हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो ये सभी को इसका श्रेय जाता है। सर, निश्चित तौर पर हीरानगर थाना क्षेत्र की बात करें, संवेदनशील एरिया भी काफ़ी आते हैं, बदमाश गुंडे बदमाश भी काफ़ी हैं, और सर्वप्रथम जिस चीज़ को लेकर हम कहें कि फरियादी, क्योंकि लगातार शिकायतों का अलग अलग प्रकार की शिकायतें आती हैं, निश्चित तौर पर सभी शिकायतों को सुनना, उनकी शिकायतों का निराकरण करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर, उसको सर किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से जो हीरानगर क्षेत्र है वो विजयनगर से चूँकि लगा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी मिली जुली आबादी है और काफ़ी ये क्षेत्र अब डेवलपमेंट काफ़ी चल रहा है और काफ़ी निचली बस्तियां भी हैं यहाँ पर, तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती लड़ाई झगड़े, एक 24 घंटे थाना व्यस्त होता है और कई बार परेशान, वैसे तो हर थाने में आदमी परेशान होकर जाता है, तो एक उसको जाने के पहले वो 100 बार सोचता है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, आखिरी जब उसको कोई विकल्प नहीं मिलता तभी वो थाना जाना मंजूर करता है। तो थाने में उसको जब, इवन मैं तो ये चीज़ ध्यान रखता हूँ, जब मैं जॉब में नहीं था, पुलिस की जॉब में नहीं था, तो मैं वो समय को कभी नहीं भूलता कि जब मेरी कोई पुलिस में जान पहचान नहीं थी, तो जब कोई काम होता था तो बड़ा सोचने में आता था कि यार थाने जाने में, मतलब बड़ा एक बहुत गैप महसूस होता था, तो उस वक्त ज़रूर ख्याल आता था कि ये ऐसा होता क्यों है। तो संयोग से फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद ही पुलिस में आने का सौभाग्य मुझे मिला, तो ये चीज़ ध्यान रहती कि आम पब्लिक को ये महसूस नहीं होनी चाहिए कि मतलब थाने जाने में उनको कुछ इतना ज़्यादा ऐसा लगे कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तो उनको एक कंफर्टेबल महसूस होना बहुत ज़रूरी है। सर, हम बात कर रहे हैं, लगातार वरिष्ठ अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल हो, और जो सबसे जब से पुलिस कमिश्नर सिस्टम आया उसके बाद से लगातार सभी थानों में, पहले भी होता था और अब काफ़ी उसको लेकर अपराध पे लगाम कसने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सब बात करें हीरानगर थाना क्षेत्र की, किस तरह की आपराधिक गतिविधियां यहाँ सामने आती हैं और बदमाशों के खिलाफ अभी किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है सर? हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय इंदौर के मार्गदर्शन में पूरे इंदौर में अभियान चलाए जा रहे हैं लगातार, और जब से नया सिस्टम शुरू हुआ है तब से तो और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा इसकी जो है मॉनिटरिंग सख्त हो गई है और ज़्यादा इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो हीरानगर में चूँकि मिली जुली आबादी है, यहाँ पर जो बदमाश है, कुछ नशे की भी प्रवृत्ति, यहाँ पे जो यंगस्टर है, जो पूरा की पूरा जो बेल्ट है वहाँ पर, तो इनको नशे के लिए भी हमने जो है कमिश्नर महोदय ने भी ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से, और हमारे लोकल में भी नशे को नाना और ये सब सभी तमाम तरह की गतिविधियाँ से पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व करके
और युवाओं को खासतौर से प्रेरित कर रहे हैं इस बात के लिए कि नशे से वो दूर रहें, साथ ही अपने जो और दूसरी आपराधिक गतिविधियों से भी वो अलग रहे। तो ये सोशल पुलिसिंग के माध्यम से भी हम मैसेज लगातार दे रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, और साथ में जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं, उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के जरिए भी कर रहे हैं, और जो जो बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ जिला बदर और एनएसए की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। सर, सबसे महत्वपूर्ण अभी जो टारगेट है, नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इंदौर शहर में। वरिष्ठ अधिकारियों का भी कहना है कि जब तक नशे पर प्रहार नहीं होगा तब तक शायद आपराधिक गतिविधियाँ जो कम नहीं होगी, और निश्चित तौर पर जिस तरह की अभी कार्रवाई की जा रही है कहीं ना कहीं इससे नशे, क्योंकि लगातार जितनी भी वारदातें हमारे सामने आती हैं उसके पीछे नशा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी बदमाश है, आरोपी है, जो भी वारदात करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं नशे में रहता है इस तरह का। तो उसको लेकर सर किस तरह के आपके दौरान नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है? नशे का एक तो नशे का जो नशे के सौदागर लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, साथ में जो युवा पीढ़ी है वो नशे का सेवन ना करे, और नशे से जनरली ये 14-15 साल की उम्र से ये चीज़ शुरू होती है, उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। और तो हमारी कोशिश दोनों तरफ से है कि आप जो लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और साथ ही जो एक सोशल पुलिसिंग के माध्यम से भी लोगों को जो यंगस्टर हैं 14-15-16 साल के जो बच्चे हैं उनको इस बारे में जागरूक किया जाए कि नशा जो है वो निश्चित रूप से मौत है। तो बस इसी के जरिए हम लगातार प्रयासरत हैं और इसके बहुत अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। सर, ये बात करें क्योंकि निश्चित तौर पर हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आपको गृह मंत्री द्वारा एक बहुत ही यूं कहें कि एक प्रोत्साहन मिला है और आपकी प्रशंसा की गई है। थाना क्षेत्र के जो आपके नागरिक हैं जो पुलिस पे भरोसा करते हैं, यदि वो थाने आते हैं तो किस तरह की उनकी सुनवाई होगी, किस तरह का आपके द्वारा उन्हें संदेश दिया जाएगा? जैसे मैंने बताया कि थाना आना जनरली व्यक्ति अपनी समस्याएं लेके पहले तो अपने स्तर पर समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो थाना जो भी आता है उसकी संवेदनशीलता से उसकी शिकायत सुनी जाती है, और एक सुनने से भी कई बार व्यक्ति का जो है बोझ हल्का हो जाता है। अच्छा, पुलिस से उम्मीदें भी बहुत बड़ी है लोगों की, जो काम पुलिस के जैसे हमारे जो CRPC में संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल अपराधों के बारे में है, लेकिन कई बार पब्लिक को ये उम्मीद होती है कि जो काम कोर्ट में जाके होना है वो पुलिस के माध्यम से करवाया जाए, या किसी और डिपार्टमेंट का काम है उनको भी उनको उम्मीद होती है। कई बार उनको पता ही नहीं होता कि इसके लिए अलग अलग विभाग बने हुए हैं, उनको ऐसा लगता है सब काम पुलिस के माध्यम से होगा, लेकिन हमको इस बात को समझना होगा कि पब्लिक अगर इस बारे में अवेयर नहीं है तो हम उनको जो है संवेदनशीलता से उनको टेकल करें, और संवेदनशीलता से उस बारे में जो कानूनी उसका हल निकल सकता है उस बारे में हम उनकी मदद करें। सर, हमें जानकारी लगी कि मंडला और सिवनी ज़िले में जब आप पदस्थ थे थानों पर तो वहाँ एक सोशल पुलिसिंग के माध्यम से आपने कई इनिशिएटिव लिए, यदि हम बात करें सोशल पुलिसिंग की या TI मेरा भाई मेरे, यदि जो मुझे जानकारी में है कि एक वहाँ पे चला था कि जो वहाँ की महिलाएं ग्रामीण महिलाएं उन्होंने अपना भाई माना था, इतना भरोसा आपने उनमें जता दिया था कि वो कहीं ना कहीं आगे होकर सारी यदि पूरे गाँव की महिलाओं की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो आपको अपना भाई मानने लगी थी, उन्हें ये भरोसा था कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित है क्योंकि TI हमारा भाई है। सर, कैसे ये इस चीज़ को आपने किया था? ये चीज़ सिवनी के जब थपरा थाने में मैं 2016 में पदस्थ था, वो मेरा TI के रूप में पहला थाना था, और रक्षाबंधन के समय मुझे उम्मीद थी कि छुट्टी मिल जाएगी खरगोन आने के लिए मेरा घर, तो लेकिन कुछ क्योंकि संवेदनशील थाना था तो छुट्टी नहीं मिल पाई। तो वो रक्षाबंधन के दिन ही मुझे ऐसा अचानक से विचार आया कि क्यों ना यहीं पर रक्षाबंधन मनाया जाए, छुट्टी तो मिल नहीं पाई है और पुलिस में अक्सर ऐसा हो भी जाता है। तो फिर ये जब वहाँ पर बात आई तो मैंने फिर एक सोशल मीडिया से एक मैसेज डाल दिया सभी लोगों को कि जो भी माताएं बहनें आना चाहती है, मतलब उसमें मैसेज मैंने ये लिखा था कि मैं मतलब मेरे थाना क्षेत्र की माताएं बहनें अपने आप को उतना ही सुरक्षित महसूस करें जितना वो तब करती जब खुद उनका भाई उस क्षेत्र का थाना प्रभारी होता, क्योंकि सुरक्षा से बड़ा सुरक्षा का भाव होता है, उनके अंदर सुरक्षा का भाव आने से कॉन्फिडेंस बहुत आता है। तो इसलिए इस मैसेज का शुरू में तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अच्छा मैंने ये भी लिखा था उसमें जन्माष्टमी तक, रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक ही हमारा त्यौहार मनता है इस टाइप से, लेकिन वो वायरल हुआ मैसेज, और वायरल होने के बाद में फिर धीरे 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 लोगों को शुरू में तो महिलाओं को आने में झिझक होती थाने में, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात जो है फैलती गई, फिर इतने ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ने लगी कि फिर गाँव से लोगों को आने में जब थोड़ी ज़्यादा संख्या होने की वजह से थोड़ी, तो फिर ये हुआ कि फिर पुलिस खुद गाँव में जाने लगी, और जब पुलिस का गाँव में जब मूवमेंट बढ़ा तो फिर बहुत सारी समस्याएं जो है सॉल्व होने लगी ऑटोमेटिकली, पुलिस का मूवमेंट वहाँ बढ़ने लगा। तो इस टाइप से इसके फिर बहुत सारे अपराधों की सूचनाएं मिलने लगी, बहुत सारे अपराध होने के पहले ही जो है रुक गए,
तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए, महिला अपराध में भी कमी आई वहाँ पे। जब दिसंबर में हमने आंकड़े चेक किए तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले कि महिला अपराध में कमी आई, और एक जो बहुत सारी कानून व्यवस्थाएं की स्थिति भी बनने के पहले हमने उसको कंट्रोल कर लिया। तो सेफ टाइगर को लेकर भी आपने एक अभियान चलाया था, जितनी मेरी जानकारी है मुझे पता चला है कि उसमें भी आपको काफ़ी सम्मानित भी किया गया था, वो भी एक काफ़ी एक नया इनिशिएटिव था आपका जो वहाँ आपने रहते हुए किया था। सर वो किस तरह से आया था कि ये करना है, और निश्चित तौर पर उसका जो परिणाम भी वो सकारात्मक था? सेव टाइगर का था कि जब मैं कान्हा किसली नेशनल पार्क से लगाया था ना, खटिया थाना मंडला ज़िले का, वहाँ पर वो जो थाने का बिल्डिंग था वो काफ़ी समय से उसकी पुताई नहीं हुई थी। तो जब मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया मैं कि थाने की आपकी पुताई होनी चाहिए, मैं भी था वहाँ पर लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा सा, तो जब मुझे मैंने उस चीज़ को नोटिस किया कि बात बिल्कुल सही है, और लेकिन इसको थोड़ा क्रिएटिव ढंग से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कान्हा किसली नेशनल पार्क का था। तो फिर हमने उसकी पुताई करवाई, पुताई के साथ साथ में एक बहुत अच्छे पेंटर से हमने उसकी जो स्थानीय सहयोग से जो रिसोर्ट्स वहाँ काफ़ी हैं, करीब 100-150 रिसोर्ट्स हैं, और रिसोर्ट्स की सहायता से कुछ उसमें रिसोर्ट्स मालिकों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, और उनके जन सहयोग से हमने वहाँ पर जो पूरा कैनवास बना दिया उसका, जो बड़ी बड़ी थाने की दीवारें थी उनको कैनवास बना के, और जो है क्रिएटिव ढंग से सेव टाइगर का मैसेज देते हुए वहाँ पर पेंटिंग्स बनाई गई, और वो पेंटिंग्स जो मेन रोड के सामने ही चूँकि थाना है तो वो वहाँ से पूरा सामने दिखती थी। तो ये फिर वो पता बाद में मुझे पता चला कि मेरे को वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर थे शुक्ला सर, संजय शुक्ला सर, उन्होंने बताया कि ये देश का ऐसा पहला थाना है कि जहाँ पर इस टाइप का मैसेज देने वाले जो है चित्र अंकित किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी फॉरेस्ट में भी इस टाइप से बता रहे थे कि हमने भी कभी इस टाइप से नहीं बनाए थे, तो वो इस टाइप से वो एक इनिशिएटिव हो गया था वहाँ पर। निश्चित तौर पर ये थे हमारे सर, हमारे साथ हीरानगर थाना प्रभारी सतीश पटेल सर। इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही है कि आम जनता में पुलिस को लेकर भरोसा काफ़ी बढ़ा हुआ है, और निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने एक सार्थक प्रयास सर का सामने आया जिसको लेकर लगातार वरिष्ठ अधिकारी भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, गृहमंत्री तक उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। यदि हर थाने क्षेत्र में इस तरह की अब कवायद जारी है कि आम जनता यदि अपनी शिकायत लेकर आती है तो निश्चित तौर पर उनकी शिकायत सुनी भी जाएगी, उस शिकायतों का निराकरण भी होगा, निश्चित तौर पर आम जनता में भी कहीं ना कहीं इससे भरोसा पुलिस के प्रति और बड़ा होगा। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।